दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी किसानों को मिलेंगे सालाना 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने चुनाव में किए वादों को पूरा करने के लिए अपना कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। नई राजग सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय किया है। आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने का 87,000 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाकर के सभी किसानों को इसके अंतर्गत लाने पर मंजूरी प्रस्ताव कर दी गई। वित्त वर्ष 2019 और 20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले करीबन 12 करोड़ छोटे तथा सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना 3 किस्तों में देने की घोषणा की गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.11 करोड़ छोटे किसान को 2,000 रुपए की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है और वही 2.75 करोड़ कृषकों को दूसरी किस्त भी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, फेसबुक चेयरमैन का पद छोड़ सकते हैं मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली होने वाली कंपनी की वार्षिक बैठक में उनके चेयरमैन पद छोड़ने की संभावना है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिखती है। मार्क जुकरबर्ग भी इसे लेकर के आश्वस्त है, इसीलिए उन्होंने वोटिंग करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, बीबीसी के अनुसार मार्क जुकरबर्ग को वोट खोने की संभावना नहीं थी, इसके लिए उन्होंने वोटिंग पैटर्न का विरोध भी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, छोटे कारोबारियों को मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन, पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने पहली बैठक में छोटे कारोबारियों के हक के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट के छोटी कारोबारियों को नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारियों को कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना का लाभ छोटे दुकानदार, रिटेल कारोबार और अपना छोटा मोटा कारोबार चलाने वाला लोग उठा सकते हैं। वह सभी कारोबारी जिसका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद कारोबारी या उनके परिवार में से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन के वो हकदार होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 40 वर्ष आयु के कारोबारियों को इस योजना से खुद को पंजीकृत कराना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारियों को अपनी तरफ से कुछ अंशदान करना होगा और सरकार भी अपनी तरफ से कुछ अंशदान कारोबारियों के खाते में जमा कराएगी। कारोबारियों को इसके लिए देश भर में फैले 3.25 लाख कॉमर्स सर्विस केंद्रों के जरिए खुद को पंजीकृत कराना होगा। इस योजना के तहत देश भर में करीबन 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को पंजीकृत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, दुनिया भर में यूजर्स प्राइवेसी को लेकर के गूगल ने कह दिया बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए निजता तथा सुरक्षा को लेकर के नए फीचर लाने का जोर देने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी ने इंटरनेट उपयोग करने वाले को निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर के दुनिया भर में बढ़ती चिंता की बात कह दिया है। कंपनी ने कह दिया है कि निजता सुरक्षा कुछ खास लोगों का विशेषाधिकार नहीं होता है और दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों सभी लोगों को समान रूप से निजता सुरक्षा मिलनी चाहिए। गूगल ने मुख्य जितना अधिकारी केथ एलसाइट के संवाददाताओं से फोन पर बताया है कि गूगल अपने सभी उत्पादों और सेवा पर सबसे बेहतर प्राइवेसी सेटिंग और यूजर्स कंट्रोल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध को दोहराता है। उन्होंने कह दिया है कि हमने इसके लिए उल्लेखनीय निवेश किया है, यह सुनिश्चित किया है कि हमारे उत्पादों के नवाचार जारी रहे और साथ ही उपभोक्ताओं के पास अपने ऑनलाइन डेटा की सुविधा को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फीचर भी रहे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, भारत में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे अधिक 2017-18 में 6.10% पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण लेने के तुरंत बाद से ही देश में बेरोजगारी को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। आधिकारिक आंकड़ों
में यह सामने आई है कि भारत में बेरोजगारी दर 2017 और 18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.10% पहुंच गई है। आम चुनाव से पहले बेरोजगारी के आंकड़े पर जो रिपोर्ट लीक हुई थी उसमें सरकार आंकड़ों में इसकी पुष्टि हो पाई थी। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2017 और 18 में बेरोजगारी दर कुल उपलब्ध कार्यबल का 6.1% रही है, जो 45 साल में सबसे अधिक है। श्रम मंत्रालय ने यह आंकड़ा ऐसे समय में जारी किया जब नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, मंत्रियों के पदभार संभाला। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में रोजगार योग्य युवाओं में 7.8% बेरोजगार रहे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 5.3% रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2% जबकि महिलाओं के मामले में 5.7% तक रही है। वहीं अर्थव्यवस्था के लिहाज से चौथी तिमाही अच्छी नहीं रही। कृषि तथा विनिमय क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन के चलते वित्त वर्ष 2018 और 19 में चौथी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ गई और 5 साल के न्यूनतम स्तर 5.8% पर पहुंच गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2017 और 18 में चौथी तिमाही की जीडीपी दर 7.2% तक रही थी। आपको बता दें कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय साथ ही यह कहा है कि वित्त वर्ष 2018 और 19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर घटकर के 6.8% रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत को चेताया अगर रूस से S-400 खरीदा तो हो सकता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 खरीदने से निर्णय का अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि S-400 जमीन से हवा में मार कर सकने में सक्षम रूस की अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। चीन ने रूस के इस प्रणाली की खरीदने के लिए 2014 में सबसे पहले अनुबंध किया था। भारत और रूस के बीच इस प्रणाली की खरीद के लिए गत वर्ष अक्टूबर में $5 अरब का करार हुआ था। इस करार प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य व्यापक विचार विमर्श के बाद हुआ था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक आला अधिकारी ने बताया है कि रूस से 400S खरीदने पर रक्षा प्रणाली खरीदने की फैसला अहम है। उन्होंने कहा है कि इस विचार से असहमति जाहिर की है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि S-400 रक्षा मिसाइल प्रणाली सौदे का नतीजा अमेरिकी प्रतिबंधों के रूस के सामने आ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से हथियारों को खरीदने पर रोक लगाने के लिए काउंटिंग अमेरिकन एडवर्स इन सेक्शन एक्ट बताया है था कि इसी कानून के तहत अमेरिका बैन लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, सीआरपीएफ कैंप पर फेंका गया ग्रेनेड। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के त्राल से आतंकवादी हमले की खबर आ रही है जहां सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। आपको बताते हैं कि जिस जगह पर हमला हुआ है वहां पर सीआरपीएफ के 180 बटालियन का कैंप है। सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है। इससे पहले इसी साल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला किया गया, तब से भी सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया जा रहा है जिससे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले में भी आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है जिसमें से 2 आतंकवादी और 1 सक्रिय सहयोगी मारा गया है। पुलिस के एक वक्ता ने बताया है कि आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और दक्षिण कश्मीर के दारगांव सुगम इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया आतंकवादियों ने उस पर गोली और उसके साथ मुठभेड़ शुरू हो गया। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और 1 सक्रिय सहयोगी मारा गया। अधिकारी ने बताया है कि मारे गए आतंकवादी में से एक हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना बताया जा रहा है और उसने बताया है कि मार गए आईईडी विस्फोटक सहित कई आतंकी वारदात में भी अंजाम दिया था। अधिकारी ने कहा है कि एक अन्य आतंकवादी और एक अन्य सक्रिय सहयोगियों की पहचान की जा चुकी है और बताया गया है कि मुठभेड़ स्थल के हथियार और गोला बारूद बरामद भी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एडमिरल करमवीर सिंह ने नए नौसेना प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार। जी हाँ दोस्तों, एडमिरल करमवीर सिंह ने 24वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल सुनील लांबा की जगह ली है। नौसेना के प्रवक्ता ट्वीट से यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि एडमिरल करमवीर सिंह PVSM, PVSS और SDK नौसेना स्टाफ के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। एडमिरल लांबा ने शुक्रवार साउथ ब्लॉक के एक समारोह में एडमिरल को यह कार्यभार सौंप दिया है। नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एडमिरल करमवीर सिंह नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने
जुलाई 1990 में नेवी को ज्वाइन किया था। 1982 में एडमिरल करवली सिंह हेलीकॉप्टर पायलट बने और चेतक और कमोडोर हेलीकॉप्टर उड़ाने का गौरव हासिल किया है। वे पहले ऐसे हेलीकॉप्टर पायलट है जो नेवी चीफ बनेंगे। नेवी का सबसे सीनियर विमान चालक होने के कारण उन्हें ग्रे ईगल भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जिन लोगों के पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए बहुत जानकारी है, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, विगत साल में जिन लोगों को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की लेन देन की है और उन्होंने 31 मई से अपने पैन कार्ड का आवेदन करना होगा, इससे गैर व्यक्तिगत श्रेणी यानी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी भी शामिल है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स की विभाग की ओर से जुर्माना का प्रावधान है। आपको बता दें कि 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग के यह जानकारी समय सीमा के जरिए यह किया है। आपको बता दें कि नए पैन कार्ड बनाने वालों के लिए इनकम टैक्स विभाग के नियमों में परिवर्तन का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए माता पिता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।